नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जाएंगे कि किस तरह आने वाले 10 वर्षों में रोबोट ले लेंगे शिक्षकों का स्थान। जी हां, नई तरीके से शिक्षा देने के जानकारों का कहना है कि अगले 10 वर्ष में कक्षाओं में ऐसे प्रेरणादायी रोबोट अध्यापकों का प्रवेश होगा जो कि बच्चों की ब्रेन वेव्स और चेहरे के हाव भाव को देखकर ही प्रतिक्रिया जाहिर कर सकेंगे। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर एंथनी सेल्डन का कहना है कि अगले 10 वर्षों में अध्यापकों के स्थान पर रोबोट्स होंगे जो कि अपनी कुशलता के मामले में मानवीय अध्यापकों से अधिक श्रेष्ठ होंगे। सेल्डन का कहना है कि इंटेलिजेंट मशीनें व्यक्तिगत तौर पर बच्चों की सीखने की शैलियों से तालमेल बिठा लेंगे और पुराने पड़ चुके परंपरागत अकादमिक शिक्षण का पुनरुद्धार कर सकेंगे। वेलिंगटन कॉलेज के पूर्व मास्टर का कहना था कि फिलहाल सिलिकॉन वैली में एक ऐसा कार्यक्रम विकसित किया जा रहा है जो कि शिष्यों के चेहरों के हाव भाव और मस्तिष्क की तरंगों को पढ़ने का काम करेगा। स्वचलित शिक्षण का यह नया दौर वर्ष के अंत तक बच्चों का एक ही ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि रोबोट से शिक्षा पाने वाले शिष्य नई नई पाठ्यक्रम को अपनी सीखने की गति और क्षमता से पढ़ सकेंगे। वे बच्चे किसी एक कक्षा का हिस्सा नहीं होंगे। सर एंथनी ने चेतावनी भी दी है कि नई तकनीक को सावधानी पूर्वक प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि ऐसा न होने पर हमारे शिष्य और अध्यापकों की क्षमताओं को बहुत कम भी कर सकता है। रोबोट्स के नेतृत्व में चलने वाली शिक्षा के तहत शिक्षकों को प्रत्येक पर्यवेक्षक की भूमिका निभानी होगी। साथ ही उन्हें शिष्यों की निजी प्रगति पर भी गौर करना होगा। उन्हें गैर अकादमिक गतिविधियों का भी नेतृत्व करना होगा। इसके साथ ही उन्हें सीधी सरल जीवन शैली को भी उपलब्ध कराना होगा। सर एंथनी का मानना है कि स्वचलित शिक्षण की सक्षमता का यहां अर्थ भी होगा कि कक्षा में स्कूल का केवल 30% समय ही देना होगा।